तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान के लिए जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पठान के बाद अब जवान। सेम वाइब तब देखने को मिली थी जब पठान रिलीज होने को थी और सेम वाइब अभी भी चल रही है। लोग बस जवान का ट्रेलर और उसके फर्स्ट सॉन्ग का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आज जानेंगे कि जवान का ट्रेलर कब आएगा, फर्स्ट सॉन्ग कब रिलीज होगा, सारे सॉन्ग की शूटिंग खत्म हो गई है यानी मूवी का एक्चुअल बजट कितना है, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, सब जानेंगे कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जवान का जब से प्रीव्यू आया है जनता पागल है इसके फाइनल ट्रेलर के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि प्रीव्यू में ही इन्होंने सब दिखा दिया तो फाइनल ट्रेलर में क्या दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, तुम जितना सोच नहीं सकते उससे एक लेवल हाई ही दिखाएंगे। यस, अभी तो उन्होंने दिखाया ही क्या है, ऑनेस्टली बोलूँ तो फटाफट ऊपर से फाइट सीन और छुटपुट मसाला दिखाया है कि आखिर होगा क्या पूरी मूवी में। एक हाइप सेट कराया है कि जिस कॉन्टेंट के लिए आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वाकई में उसमें दम है और आपकी उम्मीदों पर हम पानी नहीं फेरने देंगे। जी दोस्तों, फाइनल ट्रेलर आएगा ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो SRK को अच्छे से दिखाया ही कहा गया है। साथ ही नयनतारा जी का बस एंट्री लुक ही तो दिखाया है, दूसरा विजय सेतुपति का सिर्फ पंचिंग बैग सिक्वल दिखाया है और दीपिका इतना बड़ा फेस जिनका कुछ भी नहीं शो कर रखा है, बस एक सीन। और जहाँ तक हो सकता है कि कैम्यूज का भी रोल दिखा सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि संजू की एक झलक तो मिल ही जाएगी देखने को। साथ ही थालापति विजय ही इसका भी स्क्रीन फेस हो सकता है, क्योंकि कैम्यू की लिस्ट में ये शुरू से ही नंबर वन पर चल रहे हैं। और इसी के साथ मे बी आपको कैम्यूज में सलमान भाई भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, जहाँ तक है ट्रेलर में अभी भी सॉलिड कॉन्टेंट है इनके पास दिखाने को। एक तो SRK के इतने सारे लुक्स, दूसरा ये कि प्रीव्यू में सारे लुक्स इतने एलेबोरेटली थोड़े ना शो किए गए थे। सिंपल 3 लुक ही एंट्री दिखाई गई थी, लाइक बॉल्ड लुक, जो लेनेटिक साइको है, यंग फौजी का लुक और मैच्योर वन वाला लुक। दोस्तों, बात अगर ट्रेलर रिलीज की करें तो मे बी हो सकता है अगस्त 20 से अगस्त 25 के बीच में हमको ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। दूसरा ये कि एंड ऑफ दिस मंथ जवान का पहला सॉन्ग रिलीज करा जाना है और इस बार अनिरुद्ध रविचंद्रन द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूजिक कंपोजर ये दावा ठोक रहे हैं कि ये पठान के सॉन्ग के कुछ नहीं थे, जवान का जो बवाल काटेंगे आप देखते रह जाएंगे। देखो, अनिरुद्ध जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इतने परफेक्शन से काम करते हैं मानना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीव्यू में म्यूजिक था भाई अमेजिंग था। दूसरा, इस मूवी में राजा कुमारी का कोलैबोरेशन भाई अलग ही आग लगा रहा है। अगर आपको राजा कुमारी नहीं पता तो ये इंडियन रैप सिंगर हैं जो पहले ही बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स दे चुकी हैं और सेम जवान प्रीव्यू का जो थीम सॉन्ग है वो भी इन्हीं की देन है विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध चंद्रन। दोस्तों, ये इस टाइम इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ARRahman, तुमने नाम सुना होगा, सबसे हाई और महंगे कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। वो लास्ट टाइम 8 करोड़ चार्ज किया था अपनी लास्ट मूवी के लिए, लेकिन अनिरुद्ध ने उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक करा और 10 करोड़ का बजट सिर्फ म्यूजिक में लिया है इन्होंने रेड चिली एंटरटेनमेंट से। और भाई साहब, BGM तो जवान का अमेजिंग है ही, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाओ, ढेर सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जवान से रिलेटेड और सबसे बड़ा इंतजार तो जवान के ट्रेलर के लिए हो रहा है। दोस्तों, बात अगर इसके एक्चुअल बजट की करें तो मूवी का बजट अराउंड 400 से 450 करोड़ के आसपास है। वो कैसे, देखो SRK की रेड चिली एंटरटेनमेंट ये खुद ही इनकी कंपनी है और इनके मालिक है, तो होम प्रोडक्शन के चक्कर में घर का कोई इतना खर्च तो आया नहीं है। मीन्स जो बजट शो कर रहे हैं 250 करोड़, ये सिर्फ अपनी अदर कास्ट को देने के लिए क्या है, सपोर्टिंग कास्ट को देने के लिए क्या है, प्रमोशन वगैरह में और ढेर सारी चीज़ों को खर्चा मिलाकर है। SRK की फीस तो इन्होंने काउंट करी ही नहीं है और देखा जाए तो SRK 200 करोड़ के आसपास चार्ज करते हैं, लेकिन होम प्रोडक्शन हाउस के चलते इन्होंने ये अपनी फीस इसमें जोड़ी नहीं है, वरना देखा जाए तो मूवी का बजट बहुत हाई फाई है। तो एक बार के लिए एक मोटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कलेक्ट करना इनके लिए भारी तो पड़ेगा। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जवान फाड़ कर रख देगी, इतना तो कन्फर्म है। पहले दिन 150 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता दिख सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी SRK की फैन फॉलोइंग सुपर अमेजिंग है, जो ओवरसीज से लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन तो ले ही आएंगे। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अगर बात करें तो मे बी आपको 1000 करोड़ से ऊपर मिनिमम पार करते दिखेगा इसका कलेक्शन। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि जवान का ट्रेलर के लिए आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको क्या लगता है, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप जा सकती है, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।